वेलकम टू ओनली आइए। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम्स बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 6 सितंबर 2019। तो आइए देखते हैं ऐसे कौन से न्यूज एंड आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा पहला आर्टिकल ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स रिपोर्ट के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अभी हाल ही में एक ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स रिपोर्ट रिलीज किया है। इंडेक्स के बारे में कुछ बातें भी जान लेते हैं। देखिए, जो इंडेक्स है ये बाइनली पब्लिश किया जाता है। बाइनली का मतलब 2 साल में एक बार। और इसे कौन पब्लिश करता है? इसे पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। जो इंडेक्स है वो 140 इकोनॉमीज को इवेलुएट करता है और जिन कंट्रीज को रैंक किया जाता है उन्हें 4 सब इंडेक्सेस के बेसिस पर रैंक किया जाता है। वो 4 सब इंडेक्स कौन से हैं? पहला है इनेबलिंग एनवायरमेंट, दूसरा है ट्रेवल एंड टूरिज्म पॉलिसी एंड इनेबलिंग कंडीशन, तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर और चौथा है नेचुरल एंड कल्चरल रिसोर्सेस। मतलब सबका साफ है, एनवायरमेंट कैसा है, वहाँ पर लोग घूमने जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं, पॉलिसी कैसी है उस सरकार की, इंफ्रा कैसा है, देखने लायक है भी कि नहीं है, लोग वहाँ पर अच्छे से पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे, और जो नेचुरल और कल्चरल रिसोर्सेस हैं वो कैसे हैं, लोग क्या देखने जाएंगे। तो इन सभी पैरामीटर्स पर ये इवेल्युएशन किया जाता है। तो अभी ये जो रिपोर्ट निकल के आई है, इंडेक्स रिपोर्ट निकल के आई है, इसमें क्या बातें आई हैं इंडिया के लिए? देखिए, इंडिया को 34th रैंक पर रखा गया है। अच्छी बात है, बिकॉज 2018 में ये रैंकिंग 40th थी। कुल मिलाकर इम्प्रूवमेंट हुआ है, 6 प्लेसेस का इम्प्रूवमेंट हुआ है। स्पेन को पहले रैंक पे रखा गया है, देन नंबर आया है फ्रांस का, फिर जर्मनी का, देन जापान का। इसके पहले 5वें नंबर पर यूके हुआ करता था, लेकिन यूएसए ने अभी यूके को रिप्लेस कर दिया है। द यूनाइटेड स्टेट्स रिप्लेसिंग द यूके इन द टॉप 5। ये जो इंडेक्स है वो ये भी बताता है कि चाइना सबसे बड़ा ट्रेवल एंड टूरिज्म इकॉनमी है एशिया पैसिफिक की, और 13वें नंबर पर वो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव है। ये कुछ बातें ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स रिपोर्ट के बारे में। तो कुछ बातें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को 1971 में स्टैब्लिश किया गया था। ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन है। हेडक्वार्टर इसका है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। ऑब्जेक्टिव क्या है WEF का? ऑब्जेक्टिव है कि पूरी दुनिया को बेहतर किया जाए। कैसे बेहतर किया जाए? जो बिजनेसेस हैं, पॉलिटिकल एकेडमिक और जो अदर लीडर्स हैं सोसाइटी के, वो आपस में इंगेज करें ग्लोबल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, और जो इंडस्ट्री का एजेंडा है उसे भी इंप्रूव किया जाए ताकि पूरी दुनिया को बेहतर बनाया जाए। दैट इज द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। देखते हैं अगला आर्टिकल। अगला आर्टिकल नुआखाई, जो कि उड़ीसा का एक बहुत ही अच्छा हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, उसके बारे में है। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट यह है कि नुआखाई फेस्टिवल अभी सेलिब्रेट किया जा रहा है उड़ीसा में। दैट्स वाई इट इज इन न्यूज। नुआखाई एक तरीके का एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है, एक कृषि उत्सव है, जिसे वेस्टर्न उड़ीसा में लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। नुआखाई फेस्टिवल, इसका ओरिजिन तो देखिए वैदिक पीरियड से है। वैदिक पीरियड मतलब काफ़ी पहले का समय है, जब जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो पंच यज्ञों के बारे में बात किया करते थे। बिल्कुल उसी थीम पर या उसी तरीके से इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। जो वर्ड है नुआ, उसका मतलब होता है न्यू, और खाई का मतलब होता है फूड। मतलब जब किसानों के पास नया फूड होता है, नया खाना होता है, मतलब उन्होंने जो राइस है उसकी फसल को काट लिया होता है, उसके बाद वो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। और इसका मतलब ये है कि अब जो राइस का नया सीज़न है वो भी आ चुका है, वो वेलकम भी करते हैं इसके ज़रिए राइस के नए सीज़न को। देखिए, इस फेस्टिवल के दौरान जो फसल किसानों के पास आती है वो उसका पहला प्रोड्यूस सबसे पहले जो लैंड की गॉडेस हैं, जो भूमि की देवी हैं सामलेश्वरी, उनको समर्पित करते हैं। उसके बाद वो उसे खुद कंज्यूम करते हैं। इन रिचुअल्स के अलावा जो नई क्रॉप है उसे डेटी नुआखाई जुहार को भी समर्पित किया जाता है, जो कि एक मेजर रिचुअल है इस फेस्टिवल का। इसके इतर जो लोग दोस्त संबंधी वेलविशर्स हैं उनसे मिलते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। तो ये बातें नुआखाई फेस्टिवल के बारे में। तो देखते हैं अगला आर्टिकल। अगला आर्टिकल तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2019 के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट यह है कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने अभी हाल ही में ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2019 को रिलीज़ किया। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ये ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स रिलीज़ करता है, ये याद रखिएगा। कई बार UPSC प्रीलिम्स में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछती है, जैसे ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स कौन रिलीज करता है? आपको याद होना चाहिए, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। जो इंडेक्स है वो पूरी दुनिया में लोकेशंस को एसेस करता है कि कौन सी ऐसी जगह हैं जो लोगों के रहने के लिए सबसे अच्छी है और कौन सबसे बेकार है। 140 सिटीज़ को एसेस किया जाता है इस पूरे इंडेक्स में, और हर सिटी को 30 क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव फैक्टर्स पे इवेल्युएट किया जाता है, जिन्हें 5 ब्रॉड कैटेगरीज में भी डिवाइड किया जा सकता है, लाइक स्टेबिलिटी, हेल्थ केयर, कल्चर एंड एनवायरमेंट, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये 5 ब्रॉड कैटेगरीज हैं
जिनमें 30 पैरामीटर्स पर 140 सिटीज़ को इवेल्युएट किया जाता है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। जो सभी फैक्टर्स हैं उनको 4 पैरामीटर्स पे रेट किया जाता है, जैसे ये कंट्री एक्सेप्टेबल है, देन ये टॉलरेबल है, देन ये अनकम्फर्टेबल है, और सबसे नीचे की जो स्थिति होती है उसे इनटॉलरेबल या अनडिज़ायरेबल माना जाता है। जो फैक्टर वाइज स्कोर्स हैं उन्हें 1 से 100 के बीच में दिया जाता है। 1 का मतलब है कि कंट्री सबसे ज़्यादा इनटॉलरेबल है, और 100 का मतलब है कि वो जो सिटीज़ की बात की जा रही है नॉट कंट्री की, तो वो सिटी सबसे ज़्यादा इनटॉलरेबल है, और अगर रैंकिंग 100 आई है मतलब कि वो सिटी आइडियल है। हाइलाइट्स क्या रही, मतलब क्या कुछ निकल के आया इस इंडेक्स में? देखिए, जो वियना है, दैट इज़ अ प्लेस, अ सिटी इन ऑस्ट्रिया, उसे मोस्ट लिवेबल सिटी माना गया पूरी दुनिया में। यहाँ पर स्थिति सबसे ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद नंबर आया मेलबर्न का, दैट इज़ इन ऑस्ट्रेलिया, देन सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया, ओसाका इन जापान, एंड कैलगरी इन कैनेडा। तो ये सिक्वेंस है 5 सिटीज़ का जिनको मोस्ट लिवेबल माना गया है। न्यू दिल्ली की बात कर लेते हैं, अपने देश में है, इसे रैंक किया गया है 118th। पिछली बार स्थिति कंपेरेटिवली थोड़ी सी बेहतर थी, 112 था नंबर, इस बार 118 हो गया है। जो डाउनग्रेड हुआ है इसके लिए कई सारे कारण जिम्मेदार हैं। एयर पोल्यूशन सबसे बड़ी समस्या है दिल्ली की, देन वाटर स्कैर्सिटी, पानी की कमी भी दिल्ली में है ही, कुछ जगहों पर तो पानी की स्थिति और भी ज़्यादा ख़राब हो गई है, एंड दिल्ली इन इटसेल्फ इज फेसिंग वाटर स्कैर्सिटी प्रॉब्लम, क्राइम्स होते रहते हैं। मुंबई को 119वें स्थान पर रैंक किया गया है न्यू दिल्ली के जस्ट बाद। तो ये रैंकिंग हम इंडिया की भी देख रहे थे। अब बात करते हैं अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल ये बताता है कि इंडिया टॉप 10 ऐसी कंट्रीज़ में है जिनके पास गोल्ड रिजर्व हैं बहुत ज़्यादा। कॉन्टेक्स्ट ये है कि अभी लेटेस्ट रिलीज निकल के आई है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की, इंडिया को 10th रैंक किया गया है इस लिस्ट में जिनके पास बहुत ज़्यादा गोल्ड रिजर्व है। इंडिया के पास जो गोल्ड रिजर्व है दैट इज़ 618.2 टन्स। लिस्ट यहाँ पर है, सबसे ऊपर है यूनाइटेड स्टेट्स, देन जर्मनी, देन इटली, देन फ्रांस, देन रशिया, देन चाइना, देन स्विट्जरलैंड, देन जापान, देन नीदरलैंड्स, और उसके बाद नंबर आता है इंडिया का। इंडिया है 10वें नंबर पर अगर आप गोल्ड रिजर्व की बात करें तो। देखिए, ये गोल्ड रिजर्व ऑफिशियल गोल्ड रिजर्व है, जो इंडिया की पॉपुलेशन के पास गोल्ड है अगर आप उसका इवेल्युएशन कर लेंगे, जो अनऑफिशियल इवेल्युएशन कई बार किया भी गया है, तो इंडिया टॉप पे चला जाता है, क्योंकि इंडिया में जो लोग हैं उनके पास बहुत सोना है। यहाँ पर हर हाउस होल्ड के पास सोना होता ही होता है। यहाँ पर जो इवेल्युएशन होता है वो ऑफिशियल इवेल्युएशन होता है, दैट्स वाई इंडिया 10th रैंक पर गया है। जो USA है उसके पास हाईएस्ट गोल्ड रिजर्व है, जिसके पास 8,133.5 टन गोल्ड रिजर्व है। देन नंबर आता है जर्मनी का विथ 3,366.8 टन। देन नंबर आता है IMF का, IMF होल्ड करता है 2,451.8 टन। इंडिया का जो गोल्ड रिजर्व है वो पिछले 2 डिकेड्स में बहुत सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है। पहले इंडिया के पास 358 टन सोना हुआ करता था सन 2000 के दौरान, लेकिन अभी ये बढ़कर 618 टन हो चुका है। अप्रॉक्सीमेटली दुगनी बढ़ोतरी हुई है, दुगनी से थोड़ी कम आप कह सकते हैं। तो ये इवेल्युएशन हम कर रहे थे। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के बारे में भी बात कर लेते हैं। जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है वो मार्केट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम करता है गोल्ड इंडस्ट्री के लिए। ये एक मार्केट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है गोल्ड इंडस्ट्री के लिए। ये एक एसोसिएशन है वर्ल्ड के लीडिंग गोल्ड प्रोड्यूसर्स का, जो सोने का उत्पादन करते हैं। हेडक्वार्टर है लंदन में। WGC उन सभी मार्केट्स को कवर करता है जो दुनिया के गोल्ड कंजम्पशन का, एनुअल गोल्ड कंजम्पशन का कम से कम 3 क्वार्टर कंबाइंडली कवर करते हों। WGC ये प्रयास करता है कि गोल्ड की डिमांड बनी रहे, जो गोल्ड इंडस्ट्रीज़ हैं उनको लीडरशिप प्रोवाइड करवाई जाए, और ग्लोबल अथॉरिटी के तौर पे वो वर्क करते रहें गोल्ड मार्केट में, इसका भी प्रयास किया जाता है। अब बात कर लेते हैं IMF के बारे में। IMF 189 कंट्रीज़ का एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस्टेब्लिश किया गया था 1945 में। मेन गोल ये है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम में स्टेबिलिटी बनी रहे। अगर किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब होती है तो वो बेलआउट पैकेज के लिए IMF के पास जाता है, लेकिन अभी पाकिस्तान IMF के पास बेलआउट पैकेज के लिए गया हुआ है। इसके इतर ये इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करते हैं, हाई एम्प्लॉयमेंट बना रहे उसको प्रमोट करने का प्रयास करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ सस्टेनेबल हो उसकी भी कोशिश करते हैं, और पूरी दुनिया में पॉवर्टी को ख़त्म करने का भी प्रयास करते हैं। तो IMF के बारे में ये बातें आपने समझ ली। देखेंगे अगला आर्टिकल। अगला आर्टिकल हाई एल्टीट्यूड्स में टाइगर्स के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट यह है कि यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर ने अभी एक स्टडी को रिलीज़ किया है जो कि हाई एल्टीट्यूड इकोसिस्टम में टाइगर हैबिटेट के स्टेटस के बारे में बात करता है। कॉन्टेक्स्ट हमने समझ लिया, कुछ और बातें जानते हैं। स्टडी को किसने कंडक्ट किया था जिसे अभी रिलीज़ किया गया? इस स्टडी को कंडक्ट किया गया था ग्लोबल टाइगर फोरम GTF के द्वारा, और इनकी पार्टनरशिप किसके साथ थी? गवर्नमेंट ऑफ भूटान के साथ, इंडिया के साथ, नेपाल के साथ। इसके इतर
इसमें वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF का भी पार्टिसिपेशन था। स्टडी को सपोर्ट किसके द्वारा किया गया? सपोर्ट किया गया था इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन प्रोग्राम ITHCP और IUCN के द्वारा। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसके तहत KFW ने भी सपोर्ट किया था। KFW एक जर्मन डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है। अब देखिए जो स्टडी है वो ये क्या रिवील करती है। स्टडी रिवील ये करती है कि जो हाई एल्टीट्यूड की इकोलॉजी है वो भी टाइगर्स की ग्रोथ के लिए कंपैटिबल है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको लगता है पहाड़ पर बहुत ऊंचाई पर टाइगर्स नहीं रह पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। वो बहुत ऊंचाई पर भी खुद को रख सकते हैं, वो इन्वायरमेंट भी उनके लिए कंपैटिबल है। स्टडी ने यह भी कहा कि एक मास्टर प्लान तैयार होना चाहिए कि किस प्रकार से जो टाइगर्स हैं वो हाई एल्टीट्यूड पर अपनी ग्रोथ अवेल कर सकते हैं, इसके लिए लोकल कम्युनिटीज़ किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और ये भी बात रही कि लोकल कम्युनिटीज़ का पार्टिसिपेशन इंश्योर किया जाए ताकि टाइगर को कंजर्व किया जा सके। स्टडी ने यह भी आइडेंटिफाई किया कि क्या वायबल हैबिटेट हो सकते हैं, कॉरिडोर लिंकेजेस हो सकते हैं जिनसे दो प्रोटेक्टेड एरियाज को लिंक कर दिया जाए, टाइगर्स की आवाजाही इंश्योर कर सकें, एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर कैसे कम किया जाए, और जो लैंडस्केप लेवल पे चेंजेस हैं वो कैसे किए जाएं कि इन सिटू कंजर्वेशन किया जा सके टाइगर्स का। तो कुछ बातें ग्लोबल टाइगर फोरम के बारे में भी कर लेते हैं। ये एक इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल बॉडी है जो केवल टाइगर्स के कंजर्वेशन के लिए वर्क करती है। इसे 1993 में बनाया गया था इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑन टाइगर कंजर्वेशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पर। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसे इसलिए बनाया गया था ताकि पूरी दुनिया में टाइगर्स को बचाया जा सके, उनके शिकार को रोका जा सके। ये प्लान करते हैं कि एक लीगल फ्रेमवर्क भी तैयार किया जाए, सभी कंट्रीज लीगल फ्रेमवर्क तैयार करें कि वो कैसे जो टाइगर्स हैं उनकी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करेंगे, उनके प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क को बढ़ाएंगे और फैसिलिटेट करेंगे इंटरपैसेस ताकि टाइगर्स अच्छी तरीके से आपस में मिलजुल सकें, एक एरिया से दूसरे एरिया में जा सकें और अपनी ओवरऑल ग्रोथ अटेन कर सकें। कुछ बातें इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन प्रोग्राम के बारे में भी कर लेते हैं। इस प्रोग्राम को फॉर्म किया गया था 2014 में। उद्देश्य ये था कि जंगलों में टाइगर्स को सिक्योर किया जाए, उनके हैबिटेट को बचाया जाए और ह्यूमन पॉपुलेशन को भी सपोर्ट किया जाए टाइगर लैंडस्केप में जहाँ टाइगर्स रहते हैं। इनिशिएटिव को इसलिए तैयार किया गया था ताकि ये पैरेलली ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम को सपोर्ट कर सके। ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम एक ग्लोबल एफर्ट है जिसमें ये बोला गया है कि 2022 तक पूरे ग्लोब पर टाइगर की पॉपुलेशन को डबल किया जाएगा। जो प्रोग्राम है उसमें 12 लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स हैं जो कई सारे ऐसे देशों में इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं जहां पर टाइगर की पॉपुलेशन है 2000, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, इंडोनेशिया, नेपाल एंड म्यांमार, ठीक है। देखेंगे अगला आर्टिकल। अगला आर्टिकल ये बताता है कि एशियाटिक सोसाइटी जो मुंबई में है 215 सालों में पहली बार उनकी प्रेसिडेंट एक महिला बनी है। तो यही कॉन्टेक्स्ट है कि एशियाटिक सोसाइटी जो मुंबई में है पहली वुमेन प्रेसिडेंट के तौर पर प्रोफेसर विस्पी बालापोरिया को चुन लिया गया है। तो कुछ बातें एशियाटिक सोसाइटी के बारे में कर लेते हैं। एशियाटिक सोसाइटी एक लर्न सोसाइटी है जिसकी कई तरीके की एक्टिविटीज़ हैं, लाइक हिस्टोरिकल रिसर्च को कंडक्ट करना, हिस्टोरियंस को अवार्ड देना और जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ हैं उनको भी चलाना। जो सोसाइटी है उसके पास एक लाइब्रेरी है जिसमें 100,000 से ज़्यादा किताबें हैं। कुछ बहुत ही रेयर मैन्युस्क्रिप्ट भी हैं यहाँ की लाइब्रेरी में जो या तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कॉन्ट्रीब्यूट करी थी या कुछ लोग जेनरस डोनेशन के तौर पर इस लाइब्रेरी को सौंप देते हैं। जो सोसाइटी है वो जूनियर फेलोशिप भी दिया करती है स्कॉलर्स को। इसके इतर वो रिकमेंड भी करती है कि वो टाइगर नेशनल फेलोशिप मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से अवेल कर सकें। जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं वो सोसाइटी के चीफ पैट्रन हैं। इस सोसाइटी की हिस्ट्री क्या है? एशियाटिक सोसाइटी की हिस्ट्री ये है कि इसे 1804 में इस्टेब्लिश किया गया था और इसे फाउंड किया था सर जेम्स मैकिंटोस ने, जो कि एक स्कॉटिश कर्नल एडमिनिस्ट्रेटर थे। 1826 में इसे लंदन बेस्ड रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की मुंबई आम मान लिया गया और फिर इसका नाम BBRS भी हो गया, बॉम्बे ब्रांच ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी। 1954 में ये अपने लंदन बेस्ड पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन से अलग होता है और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे बन जाता है जो इसका वर्तमान नाम है। ये इसे 2002 में मिला। ये बातें एशियाटिक सोसाइटी के बारे में। देखते हैं अगला आर्टिकल। अगला आर्टिकल माउंट कुन के बारे में है। इंडियन आर्मी ने अभी हाल ही में माउंट कुन का अपना एक्सपीडिशन कंप्लीट किया। माउंट कुन सेकेंड हाइएस्ट पीक है जास्कर और कारगिल के बीच में। जो माउंटेन है वो सबसे पहले 1913 में किसी के द्वारा चढ़ा गया था और ये नुनकुन माउंटेन मैसिव का मतलब होता है पर्वत समूह जिसमें कई सारे पर्वत होते हैं, उनका एक हिस्सा है। नुनकी जो ऊंचाई है वो 7135 मीटर है और इस लिहाज से ये हाईएस्ट पीक बन जाती है जम्मू कश्मीर के उस रीजन में जो अभी इंडिया के पास है। बाकी का हिस्सा तो अभी पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है, तो जो इंडियन साइड है उसमें ये सबसे ऊंची पीक बन जाती है, ठीक है। माउंट कुन लोकेटेड है नुन के
नॉर्थ में, मतलब उसके उत्तर में, और उन दोनों के बीच में 4 किलोमीटर लंबा एक बर्फ का प्लेटू भी है जो इन दोनों को सेपरेट करता है। तो ये बातें माउंट कुन के बारे में। रिवाइज करने से पहले एक बार आप कुछ कोर्सेज के बारे में जानकारी ले लीजिए। 15 सितंबर से प्रीलिम्स के पार्ट के लिए जो सिलेबस होता है उस पर पूरा एक कोर्स लॉन्च किया जा रहा है। इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, साइंस एंड टेक एंड आर्ट एंड कल्चर पढ़ाया जाएगा। हालांकि ये पार्ट प्रीलिम्स और मेंस दोनों में है, दैट्स वाई इन पर कंप्रिहेंसिवली तैयारी करवाई जाएगी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से। इसके इधर सोशियोलॉजी ऑप्शनल का कोर्स है, जिनका ऑप्शन सोशियोलॉजी है वो इसे अवेल कर सकते हैं। मेंस बूस्टर प्रोग्राम है जिसमें मेंस का पार्ट कवर किया गया है। पॉलिटिकल साइंस का कोर्स भी अवेलेबल है उन स्टूडेंट्स के लिए जो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के साथ तैयारी कर रहे हैं। और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है इंग्लिश मीडियम में, जिसकी फीस 1600 रुपये है। इसमें सीसेट के टेस्ट भी इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो इन सभी प्रोग्राम्स में से जो भी आपकी ज़रूरत का है आप उसे अवेल कर सकते हैं। रिवाइज कर लेते हैं एक बार कि आज हमने क्या क्या कवर किया है। देखिए, सबसे पहले हमने बात की है ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स रिपोर्ट के बारे में। देन हमने चर्चा की नुआखाई फेस्टिवल के बारे में, जो कि उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद हमने ग्लोबल एविलिटी इंडेक्स के बारे में चर्चा की। इसके साथ ही साथ हमने बात की कि इंडिया उन 10 देशों में है पूरी दुनिया में जिनके पास काफ़ी ज़्यादा गोल्ड रिजर्व है। फिर हमने टाइगर्स के बारे में चर्चा की कि वो हाई एल्टीट्यूड में भी रह सकते हैं, वो इन्वायरमेंट भी उनके लिए कंपैटिबल है, और ये एक स्टडी में रिवील किया गया है। देन हमने चर्चा की कि एशियाटिक सोसाइटी को 215 सालों में पहली बार कोई वुमेन प्रेसिडेंट मिल चुकी हैं। और सबसे अंत में हमने बात की माउंट कुन के बारे में। तो यहाँ पर हमारा आज का ये सेशन समाप्त होता है। थैंक यू वेरी